महाराष्ट्र सरकार ने बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। जी हाँ, इस तरह का बयान जो है उन्होंने दिया है। किसने दिया है, क्या कहा है, मैं हीना कुमावत फिल्म इंडिया आपको बताऊंगी। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार में FIR दर्ज होने के बाद बिहार पुलिस जो है यहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इस बात की उन्हें परमिशन नहीं है और जो है वो मुंबई पुलिस की परमिशन के बिना ये कुछ नहीं कर सकती है। महाराष्ट्र के मिनिस्टर ने ये बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, दरअसल ये बयान जो है वो स्टेट फॉर होम मिनिस्टर शंभूराज देसाई ने जी को दिया है। वो कहते हैं, बिहार पुलिस कैन नॉट इन्वेस्टिगेट द केस इन मुंबई विदाउट परमिशन। द टीम शुड फर्स्ट इन्फॉर्म द मुंबई पुलिस और उसके बाद ही जो है वो किसी भी तरह की जांच कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर सकती है। और इस तरह से उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, उनको मुंबई पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो इस तरह से हमारी स्टेट में आकर जो है जांच नहीं कर सकती। वहीं कल अनिल देशमुख ने बयान दिया था कि किसी भी हालत में जो है इस केस की जांच हम CBI को नहीं देंगे, मुंबई पुलिस सक्षम है इसकी जांच करने के लिए, और ये सारा बयान जो है उन्होंने कल दिया था। अब जो है शंभू देसाई ने यह भी कहा कि मुंबई पुलिस इंटरोगेशन जो चल रही है, सुशांत फैमिली डिड नॉट नेम एनीवन और द मुंबई पुलिस इज क्वेश्चनिंग पीपल एंड बॉलीवुड पर्सनालिटीज एंड इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन इन द राइट डायरेक्शन। ऐसे में अब बिहार पुलिस जो है आकर काम कैसे कर सकती है। और उनका ये भी कहना है कि मुंबई पुलिस ने 35 लोगों की जांच जो है इस समय तक कर ली है, यहां तक कि बिहार पुलिस ने जो सिस्टर मीतू और एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे की जांच करेगी ये खबर सामने आ रही है। लेकिन शंभूराज देसाई का ये कहना है कि ये बात बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इस केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुंबई में नहीं कर सकती है विदाउट परमिशन, उनको जो है एक परमिशन लेनी ही होगी और ये संभव भी नहीं है कि दूसरी जो है स्टेट की पुलिस इधर आकर इन्वेस्टिगेशन करे। तो इस तरह से अब एक फॉर्मल बयान भी आ गया है इस बात को लेकर कि बिहार पुलिस जो है मुंबई में आकर इस तरह से जांच नहीं कर सकती है।